रिकॉर्डिंग वाईटी हिफजान ब्रेक से लेकर एल्गो अपने वीडियो में कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, वो डाउनलोड कहाँ से करना है वो तो बताऊंगा ही वीडियो में, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक एंड SFX यूज ही क्यों करना है। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका होता है, इसीलिए काफी शॉर्ट यूट्यूबर्स लाइक मिस्टर मीको भी अपने वीडियो में स्टार्टिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं। आपने कभी हॉरर मूवी देखी है? नहीं। आप कमेंट करके बताओ, जब भूत का सीन आता है तब आपको एक्चुअल में डर लगता है या भूत के सीन के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड SFX होता है उसकी वजह से आपको डर लगता है? चलो लाइव टेस्ट करके देखते हैं। तो आपको क्लिप 1 से तो डर बिल्कुल ही नहीं लगा होगा, लेकिन क्लिप 2 में जहां बैकग्राउंड म्यूजिक एंड SFX यूज किया है वहां आपको थोड़ा बहुत तो डर लगा ही होगा। भाई मैं तो तेजस्वी इंसान हूँ, मुझे तो डर ही नहीं लगता। ही ही ही। ऐसे ही चाहे वो कॉमेडी वीडियो हो या इमोशनल सीन हो या ये सबके इमोशन हमारे ब्रेन में हियरिंग सेंसेस की वजह से ही अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। इमेजिन करो आप एक रास्ते पे चल रहे हो और पीछे से कार आ रही है जो हॉर्न बजा रही है, तो आप पीछे देखते हो और साइड हो जाते हो, लेकिन आप पीछे इसलिए देखते हो क्योंकि पहले आपको हॉर्न की आवाज आती है, दैट मींस आपके हियरिंग सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। और दैट्स इट गाइस, यही सेम थिंग कंटेंट में भी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए यूज किया जाता है। डिकोडिंग वाईटी हिफजान ब्रेक एंड एलग्रो अपने वीडियो में कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं? हिफजान ब्रेक वॉयलन बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते हैं, जो मैं भी अपने वीडियो में यूज करता हूँ और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। EFX दैट मीन साउंड इफेक्ट, वो आपको डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां सिंपली ज्वाइन करो और वहां मैं सारे साउंड इफेक्ट दे दूंगा जो मैं यूज करता हूँ, एज वेल एज डिकोडिंग YT वगैरह सारे यूट्यूबर यूज करते हैं, डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी। डिकोडिंग YT एंड एलग्रो अपने वीडियो में हिप हॉप स्टाइल म्यूजिक का यूज करते हैं, जो आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली गाइज आप यूट्यूब पे सर्च करो हिप हॉप स्टाइल नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक, तो सिंपली आपको काफी ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक तो मिल ही जाएंगे जो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप YouTube ऑडियो म्यूजिक लाइब्रेरी में जा सकते हो, आप वहाँ भी सर्च करोगे हिप हॉप तो भी आपको काफी बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। अरे भाई सीधा डाउनलोड लिंक दे देता ना, जैसे हिफजान ब्रेक की दी थी। नो, मैं डायरेक्ट लिंक नहीं दे सकता गाइस, क्योंकि डिकोडिंग YT के बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आप यूज करोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। यस, बट हाउ गाइज, डिकोडिंग YT की बैकग्राउंड म्यूजिक एपिडेमिक साउंड की है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, तभी वो लाइसेंसेबल होता है, और मैंने वो यूट्यूब से फ्री में डाउनलोड जरूर किया था, लेकिन आप देख सकते हो ये वीडियो को कॉपीराइट आ गया वही बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। सो आपके वीडियो को कॉपीराइट क्लेम ना आए इसलिए मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता तो दिया डिकोडिंग YT हिप हॉप स्टाइल बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर से। हमको गाइस कंटेंट के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक की वाइब मैच करना जरूरी होता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो हिप हॉप स्टाइल यूज करते हैं। सो आप भी वो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं वही स्टाइल के बैकग्राउंड म्यूजिक, जिससे आपकी वीडियो को भी काफी परफेक्टली वो बैकग्राउंड म्यूजिक मैच हो जाएगी।